हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइज, आईपीएल 2024 के रिटेन्ड और रिलीज प्लेयर्स के लिस्ट सभी आईपीएल टीमों के द्वारा तैयार की जा रही है, और ऐसे में हर एक आईपीएल टीम से एक एक ऐसे प्लेयर्स का नाम हमें देखने को मिला है जो कि आईपीएल 2024 के स्टार्ट होने से पहले, आईपीएल के ऑक्शन से पहले, अब इनको इनकी रिस्पेक्टिव आईपीएल टीमों के द्वारा रिलीज कर दिया गया है। इस लिस्ट में हमें काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर्स का नाम भी देखने को मिला है जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। तो आप लोगों को इस वीडियो को देखना है बिल्कुल लास्ट तक। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए, जिससे हमारी वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अब इन प्लेयर्स के लिस्ट में। सबसे पहले नंबर पर हमें नाम देखने को मिलता है बेन स्टोक्स का। स्टोक्स को चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने लास्ट ईयर 16.5 करोड़ रुपए में परचेज किया था, लेकिन लास्ट ईयर आईपीएल में सिर्फ 2 मुकाबले खेलने की वजह से बेन स्टोक्स को अब सीएसके की टीम बिल्कुल भी इतने पैसे नहीं दे सकती है, जिसके चलते सीएसके की टीम ने अब डिसाइड किया है कि ना सिर्फ ये बेन स्टोक्स को रिलीज करेंगे बल्कि इस साल आईपीएल के ऑक्शन में तो हो सकता है कि सीएसके की टीम हमें बेन स्टोक्स के पीछे बिडिंग भी ना करते हुए नजर आए। इनके बाद इस लिस्ट में आगे हमें नाम देखने को मिलता है मुंबई इंडियंस के जॉफ्रा आर्चर का। आर्चर को भी मुंबई इंडियंस की टीम ने लास्ट के 2 सालों में काफी ज्यादा बैक किया था। इनके टीम में ना आने के बावजूद एमआई की टीम इनके पीछे काफी ज्यादा पेशेंट रही, लेकिन वापस आने के बाद भी आर्चर ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया था वो काफी ज्यादा खराब था। और इसके अलावा इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ भी मुंबई इंडियंस को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्योंकि ईसीबी को ऐसा लगा कि जॉफ्रा आर्चर के फिटनेस खराब करने के पीछे मुंबई इंडियंस का हाथ है। तो एक तो जॉफ्रा आर्चर परफॉर्म नहीं कर पा रहे, इसके साथ ही उनका प्राइस काफी ज्यादा है और वो काफी ज्यादा इंजरी प्रोन भी हैं। तो ऐसे में मुंबई इंडियंस की टीम ने अब डिसाइड किया है कि अगले साल की नीलामी से पहले आर्चर को रिलीज करने वाले हैं। इनके बाद इस लिस्ट में हमें नाम देखने को मिलता है दीपक हुड्डा का। दीपक हुड्डा की बात की जाए तो ये भी हमें आईपीएल के वन सीजन वंडर के रूप में देखने को मिले थे, जहां पर हुड्डा की अगर बात की जाए तो साल 2022 में काफी ज्यादा कमाल की परफॉर्मेंस के बाद काफी सारे लोगों का ये भी मानना था कि इनको विराट कोहली की जगह भारत की टीम में परमानेंट नंबर 3 बनाना चाहिए, लेकिन उसके बाद ना तो भारत की टीम में और ना ही एलएससी की साइड से कुछ भी कर पाए, जिसके चलते अब एलएससी की टीम ने भी दीपक हुड्डा को रिलीज करने का डिसीजन ले लिया है। इनके बाद गाइस, इस लिस्ट में हमें नाम देखने को मिलता है हर्षल पटेल का। जिस तरीके से दीपक हुड्डा वन सीजन वंडर थे, उसी तरीके से हर्षल पटेल हमें 2 सीजन वंडर देखने को मिले। जब आईपीएल यूएई में हुआ था तो वहां की पिचेस क्योंकि काफी ज्यादा स्लो थी और काफी ज्यादा लंबी भी थी, जिसका फायदा हर्षल ने खासा उठाया था, लेकिन जब ये भारत के पिचों पर वापस आए जो कि बल्लेबाजी फ्रेंडली और छोटी डायमेंशन की थी, तो यहां पर इनकी खासी पिटाई हो गई और आरसीबी को इन्होंने काफी सारे मुकाबले भी हराए थे, जिसके चलते हुए अब आरसीबी की टीम ने हर्षल पटेल को रिलीज करने का डिसीजन लिया है। इनके बाद इस लिस्ट में नाम देखने को मिलता है पृथ्वी शॉ का। पृथ्वी शॉ की अगर बात की जाए तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने इनको भी काफी सारे चांसेस दिए थे, लेकिन इनको चांसेस देने के बावजूद भी पृथ्वी शॉ बिल्कुल भी लास्ट के 2 साल से अच्छी फॉर्म में नहीं चल रहे हैं। तो ऐसे में अब ऐसा लग रहा है कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम के द्वारा इनको भी रिलीज किया जाएगा और डीसी की टीम इनके बदले किसी दूसरे यंग भारतीय प्लेयर्स को अपनी टीम में शामिल करेगी। इनके बाद इस लिस्ट में आगे हमें नाम देखने को मिलता है लॉकी फर्ग्यूसन का। लॉकी फर्ग्यूसन को कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने करीब करीब 10.5 करोड़ रुपए में अपनी टीम में ट्रेड किया था, और उसके बाद लॉकी फर्ग्यूसन का परफॉर्मेंस जैसा था, ना तो वो ज्यादा विकेट ले पाए और ना ही वो बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल थे। इसके साथ ही डेथ ओवर्स में इनकी खासी पिटाई भी हो गई थी, जिसके चलते अब केकेआर की टीम भी लॉकी फर्ग्यूसन को रिलीज करने वाली है। इनके बाद इस लिस्ट में नाम देखने को मिलता है हैरी ब्रोक का। एक और ऐसा प्लेयर जिसका प्राइस हमें काफी ज्यादा देखने को मिला था, लेकिन जिसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। इनका नाम हैरी ब्रोक, जो कि 13.25 करोड़ रुपए में एसआरएच के द्वारा खरीदे गए थे, लेकिन सेंचुरी को हटा दिया जाए तो इनकी जो एवरेज है वो हमें 7 की देखने को मिली है, जिसके चलते एसआरएच की टीम भी अब हैरी ब्रोक को रिलीज कर चुकी है। इनके बाद इस लिस्ट में हमें नाम देखने को मिलता है दिनेश कार्तिक का। दिनेश कार्तिक भी हर्षल पटेल की तरह आरसीबी के लिए सिर्फ 1-2 सीजन में ही चले थे, उसके बाद दिनेश कार्तिक का इस साल का परफॉर्मेंस तो बहुत ही ज्यादा खराब था, और उसके साथ ही इनकी स्पिन के अगेंस्ट इनेबिलिटी और उम्र के चलते हुए भी दिनेश कार्तिक ने अब खुद डिसीजन लिया है कि ये इस साल आईपीएल से रिटायरमेंट ले लेंगे और उसके बाद आरसीबी की टीम से ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएंगे। तो गाइज, ये थे सभी प्लेयर जो कि इस साल हमें रिलीज होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। कमेंट करके आप लोग बताना आप लोग इनमें से कौन से प्लेयर को रिटेन होते हुए देखना चाहते हैं। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब।